नमस्कार, सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं सहजन की सब्जी। तो बनाना शुरू करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं क्या सब सामग्री लगेगा। तो मैंने 150 ग्राम के करीब सहजन ले लिया है। इसको अच्छे से मैंने काट करके धो करके ले लिया है। 100 ग्राम के करीब मैंने आलू ले लिया है, उसको भी छील करके काट के ले लिया है। करीब 2 मीडियम साइज का आलू है। एक हमने प्याज ले लिया है। एक टमाटर ले लेंगे। मैंने 2 मिर्ची, आधा इंची अदरक का टुकड़ा, अच्छे से 7 कली लहसुन का ले लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये हमने 2 तेज़पत्ता, आधा चम्मच काला सरसों और 1/4 चम्मच हमने जीरा ले लिया है। नमक स्वादानुसार ले लेंगे। 4 चम्मच सरसों तेल ले लिए हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी में अदरक लहसुन मिर्ची टमाटर और प्याज का काट करके उसका पेस्ट हम बना लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसमें डाल दें। प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, काट करके उसमें डाल दें। डाल करके उसके बाद मिक्सी में हम इसको महीन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए महीन पेस्ट हो चुका है। अब ये गैस पर पैन चढ़ा देंगे, वो गर्म हो चुका है। उसमें 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो हमने जो सहजन की फली को छील करके काट करके धो करके जो रखा था वो इसमें डाल करके 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। हम ये सब्जी 2 से 3 आदमी के लिए बना रहे हैं। आप चाहे तो ज़्यादा आदमी के लिए बनाना है तो ज़्यादा आप सहजन आलू डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने आलू को लंबा लंबा फाक में काटा है। आप चाहे तो छोटा छोटा टुकड़ा में भी काट सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार, जो भी आपको पसंद हो उसके अनुसार आप काट सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब 2 से 3 मिनट तक फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसको सभी को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्राई हो रहा है। हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब सभी सहजन और आलू को हम निकाल लेंगे। आप इसी स्टाइल से सहजन आलू की सब्जी ज़रूर बना के खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने सरसों वाली तो बहुत बार खाई होगी। एक बार बिना सरसों वाली इसी स्टाइल से बना करके खा करके देखें। यकीन मानिए दोस्त, आप लोग बहुत ही इसको पसंद करेंगे और बार बार बना करके खाना आप चाहेंगे। वो पैन गरम है ही, उसी पैन में हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार। हमने जो भी सरसों, काला वाला सरसों, तेज़पत्ता और जीरा हमने जो रखा था वो इसमें डाल देंगे। आधा मिनट तक उसको फ्राई कर देंगे। फिर मिक्सी में जो हमने पीस करके रखा था अदरक लहसुन मिर्च टमाटर प्याज, सभी का पेस्ट जो बना करके रखा था, उन सभी को डाल देंगे। डाल करके 2 से 3 मिनट तक उसको फ्राई कर लेंगे। देखिए मीडियम हाई फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट फ्राई कर ले। अगर लो फ्लेम रखते हैं तो उससे ज़्यादा देर तक फ्राई करना है। ये देखिए मसाला जो है ना धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। इसको बीच बीच में चलाते भी रहें। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। हमने इसमें पहले भी कच्चा मिर्ची डाला था इसलिए मिर्च पाउडर हमने कम डाला है। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच के करीब हमने नमक डाला है। इस मसाले को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। आप इसी स्टाइल से सब्जी ज़रूर बनाएं। मसाला को ज़रूर अच्छे से फ्राई कर लें। जब तक आप अच्छे से मसाला को फ्राई नहीं करेंगे तब तक सब्जी में वो टेस्ट नहीं आ पाएगा।
देखिए फ्राई हो चुका है। आप मेरे स्टाइल से जरूर सहजन आलू की सब्जी बना करके खाएं, यकीन मानिए दोस्त आपके यहाँ सबको ये सब्जी को बहुत ही पसंद करेंगे और बार बार बनाने के लिए बोलेंगे। मेरे घर में ये इसी स्टाइल से सब्जी बनाने के बाद सबको बहुत ही पसंद करते थे। जो भी सहजन की सब्जी खाना पसंद नहीं करते थे, ये बिना सरसों वाली बनाने के बाद सभी को बहुत ही पसंद से खाते हैं। आप इस सब्जी को रोटी या चावल जिसके भी साथ पसंद हो आप उसके साथ में खा सकते हैं। ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है। इसमें जो हमने सहजन और आलू को जो पहले से फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। डाल करके सभी मसाले को एक बराबर से अच्छे से मिला देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। अब अगर आप रोटी में खाना चाहते हैं तो कम पानी डालें, अगर बॉयल्ड राइस में खाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी आप डाल सकते हैं। हमने इसमें 2 बॉल के करीब डाला है। डाल करके कम से कम 10 मिनट तक इसको पका लेंगे। ये देखिए आधा चम्मच के करीब नमक हमने डाल दिया है। पहले भी हमने नमक डाला था इसलिए अभी हमने इसमें कम नमक डाला है। सभी को फिर से एक बार मिला लें। मिला करके ढक्कन से ढक करके 10 मिनट के करीब इसको पका लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली में और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बिना सरसों वाली सब्जी आपको कैसी लगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बिना सरसों वाली सब्जी आपको कैसी लगी। आप अपने फैमिली में ज़रूर इसे बना करके खिलाएं। ये देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। एक बार आप चेक जरूर कर लें ये सहजन की फली पकी है या नहीं। देखिए सहजन की फली पूरी तरह से पक गई है, ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहे तो थोड़ा सा और पानी अगर सुखाना चाहते हैं तो थोड़ा देर और 1 से 2 मिनट तक रहने दें, या नहीं तो इसी स्टेज पर बंद कर सकते हैं आप गैस। देखिए सब्जी बन के पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।